वेलकम टू सर्विस किचन। आज मैं रगड़ा पैटीज बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए ली हूँ मैं 3 आलू, उसको बॉईल कर ली हूँ, और ली हूँ ये मटर, जो सादे मटर आते हैं उसको सिर्फ नमक हल्दी से मैं इसको सिर्फ बॉईल कर ली हूँ। और उसके लिए क्या ली हूँ दिखा दे रही हूँ, मैं एक खीरा ली हूँ उसको एकदम बारीकी से चॉप कर ली हूँ, टमाटर ली हूँ उसको भी बारीक से चॉप कर ली हूँ, गार्निश के लिए धनिया पत्ता ली हूँ, चटनी ली हूँ इमली और गुड़ का चटनी, ये घर पे ही बना हुआ चटनी है मीठा चटनी, और ली हूँ घर का फ्रेश दही, धनिया पत्ता का चटनी, और ली हूँ ये एकदम बारीक सेव, सिंथेटिक जो सेव आती है बारीक वो, और ली हूँ रोस्टेड जीरा पाउडर, ये हल्का कढ़ाई में मैं खाली हिला के इसको पाउडर बना ली हूँ, रोस्टेड जीरा पाउडर ली हूँ, और ली हूँ लाल मिर्च, और ली हूँ काला नमक। तो पहले मैं आलू को मैश कर देती हूँ, एक टिक्की बना लूँगी इसको। मेरा आलू मैश हो गया है, मैं पैन को ऑन कर लेती हूँ, इसमें पैन जैसे ऑन गर्म होता है मैं उसमें एक चम्मच घी दूँगी, मैं ये पैटीज को घी पे फ्राई करूँगी। आप इसको आलू टिक्की चाट भी बोल सकते हैं, और ये फेमस गुजरात और बॉम्बे का फेमस है पैटीज, रगड़ा पैटीज। तो मैं इसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो आलू को मैं ऐसे करके गोल करके इसको एक पैटीज का सेप दे दे रही हूँ, ऐसे करके गोल करके, ऐसे ऐसे करके पैटीज सेप में इसको दे दे रही हूँ, फ्राई कर लूँगी एक बार इधर करके एक बार उधर करके, और नीचे फ्राई हो रहा है तब तक ये फ्राई हो जाए। मेरे एक साइड फ्राई हो गया, मैं इसको पलट दी, फिर और एक साइड में फ्राई कर ले रही हूँ, दो साइड फ्राई हो गया। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, देखिए अब मैं ये रगड़ा पैटीज तैयार कर दे रही हूँ। पहले मैं ये रगड़ा को दे दे रही हूँ उसमें, देखिए फिर ये टिक्की को दे दे रही हूँ, देखिए फिर से इसके ऊपर मैं रगड़ा दे रही हूँ, देखिए ये थोड़ा सा खीरा ऊपर से दे रही हूँ, थोड़ा टमाटर दे रही हूँ ऊपर से। आप इसके जगह खीरा की जगह ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनियन भी दे सकते हैं। इसके ऊपर मैं दही दे रही हूँ, ये मीठी चटनी, ये धनिया की चटनी, और दे रही हूँ ये रोस्टेड जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, जो लाल मिर्च नहीं खाते वो स्किप कर सकते हैं, और ये काला नमक जी ऊपर से जाएगा, ये धनिया पत्ता, और ये सेव। मेरा रगड़ा पैटिस तैयार है, इसको आलू टिक्की चाट भी बोल सकते हैं, ये शाम का स्नैक्स बहुत अच्छा है, ये आपके घर पे कुछ नहीं है जस्ट मटर है उसी को बॉईल करके आलू के साथ में दीजिए, ये शाम का नाश्ता हो जाएगा। और मटर अगर आप भूल जाते हैं रात को भिंगोना, और आपको अगर शाम को कुछ बनाना है, तो आप एक काम करिएगा, मटर को गर्म पानी में, फिल्टर पानी में, 2 पानी में, जितना मटर लेंगे उसका मटर भींग जाए जैसा, ऐसा पानी ऊंचा से लीजिएगा, लेके उसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा देके और थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी कर लीजिएगा, फिर उसको मटर को भींगा दीजिएगा, देखिएगा आप 2 घंटे में मटर पूरा फूल जाएगा।
तो आप उस हिसाब से भी हम मटर को भिगो सकते हैं। अगर रात को भूल जाते हैं भिगोना तो वैसे भी मटर नरम हो जाता है। थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे।